हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर के जा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में चैप्टर पॉलिनोमियल्स मैथमेटिक्स का क्लास 10th के लिए वीडियो लाए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल। सबसे पहले एक बात मैं आपको दूर कर दूं, जिस चैप्टर में ये ऑप्शनल एक्सरसाइज दिया रहता है उसके नीचे देखोगे आप स्टार मार्क में लिखा रहता है कि दिस एक्सरसाइज आर नॉट पॉइंट व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो लोग इसको पढ़ने से क्या समझते हैं कि एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं और इसीलिए स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को नहीं बनाते हैं। तो इसको आप ये समझिएगा कि बोर्ड में जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ईएडी पैटर्न में होता है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ईएडी, ई का मतलब इजी हुआ, ए का मतलब एवरेज हुआ, डी का मतलब डिफिकल्ट हुआ। ये 30% क्वेश्चन होते हैं, 40% और 30%। ये क्वेश्चन का जो सेट होता है इस तरह से बनता है। 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन जो प्रायः सारे बच्चे बना लेते हैं, जो वीक बच्चे होते हैं उनको भी बन जाना चाहिए जो पढ़ेंगे उसके लिए। 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एवरेज बच्चे भी बना लेते हैं और 30% क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का होता है। तो डिफिकल्ट लेवल का होगा तो डिफिकल्ट लेवल में ऑप्शनल से ही क्वेश्चन आते हैं जो कि बच्चे उसको इग्नोर किए रहते हैं। तो एनसीईआरटी के ऑप्शनल नहीं बनाते हैं, लग जाते हैं सैंपल पेपर बनाने में, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। सैंपल पेपर बनाना है प्रैक्टिस के लिए बनाना, सैंपल पेपर लोग इसलिए बनाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता है। और इसको इग्नोर कर दोगे तो कभी भी आप 70% से ज्यादा स्कोर कर ही नहीं सकते हो, इसलिए ऑप्शनल पहले बनाना है, आप ये याद रखोगे। तो चलिए, इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन हैं कुल, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बना चुके हो, जिसको मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप समझ चुके हो, फिर भी मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही है, डिजिट सिर्फ चेंज हो सकता है, ये श्योर है आएगा ही। सेक्शन सी में ये क्वेश्चन नंबर 33 में या 36 में क्वेश्चन नंबर भी फिक्स है, ये आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन और बचेगा क्वेश्चन 5 जिसको मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन 3 में क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया है x³ - 3x² + x + 1। ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 जीरोज होंगे, जहां पर जीरोज दिए हुए हैं a - b, a + b एंड a। कह रहा है क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि इफ a - b, a + b एंड a आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये क्वेश्चन है, तो आपके पास जो ये जीरोज दिया हुआ है a - b, a + b और a, एक को हम क्या करेंगे अल्फा मान लीजिए, किसी को भी आप अल्फा मान सकते हो, एक को अल्फा मान लिए, एक को बीटा, एक को गामा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रिलेशंस होते हैं, याद रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसमें 3 रिलेशन में एक सम से और एक प्रोडक्ट से क्वेश्चन बना देना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a और अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। तो अल्फा a - b, बीटा a + b, गामा a = - और b कितना है इसमें -3 और a कितना है 1, क्लियर। a - b, a + b + a -3 हो गया। इसमें देखो ये b और b कैंसिल हो जाएगा और b को कैंसिल करने से आपके पास 3a = 3, a = 1 आ जाएगा। तो a का वैल्यू निकल गया, 2 नंबर के क्वेश्चन थे 1 नंबर मिल गया, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का रिलेशन होता है -d/a।
अल्फा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए बराबर माइनस और डी कितना है वन बाय वन, इसलिए माइनस वन बाय वन का मतलब माइनस वन रह गया। और ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए यहां रखे हैं बराबर माइनस वन। अब जो हमने ए का वैल्यू निकाला था, इस ए का वैल्यू हमने पुट कर दिया वन, तो वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वन बराबर माइनस वन, तो वन का स्क्वायर तो वन ही हो गया ना, तो वन माइनस बी स्क्वायर बराबर वन, तो वन माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर प्लस वन को आप उधर भेज दोगे तो माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन माइनस वन, यानी माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस टू, तो फिर माइनस माइनस कट गया तो बी स्क्वायर बराबर टू, स्क्वायर हटाओगे तो टू उधर अंदर रूट आ जाएगा तो प्लस माइनस रूट टू, यानी बी का वैल्यू प्लस रूट टू या माइनस रूट टू और ए का वैल्यू वन। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना देंगे। क्लियर। चौथा क्वेश्चन है कि कोई बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, जैसे पॉलिनोमियल दिया x के पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35, इसके डिग्री 4 है तो 4 जीरोज होंगे, तो 4 जीरोज में क्या करता, 2 जीरो दे देता है और 2 जीरो कहता है निकालने के लिए, याद रखिएगा। तो लैंग्वेज पर ध्यान देना है, कभी कभी लिख देता है फाइंड ऑल जीरोज या कभी लिख देता है फाइंड अदर टू जीरोज, तो एक ही बात होगी। ठीक है, अदर टू जीरोज होगा तो सिर्फ आपका जो आंसर निकलेगा दो जीरोज वो सिर्फ लिखोगे, और ऑल जीरोज होगा तो जो दो निकला वो और जो दो पहले से दिया था, तो हमने जो दो जीरोज इसका दिया हुआ, एक है टू प्लस रूट थ्री और एक है टू माइनस रूट थ्री, एग्जाम में ऐसे क्लियर करके नहीं पूछता, आपको दे देगा ऐसे टू प्लस माइनस रूट थ्री, और बच्चे सर पर हाथ रख लेते हैं कि एक ही दिया हुआ है, उसको ये नहीं नजर आता है, तो थोड़ा सा नजर रखना है कि उसमें एक नहीं टू प्लस नहीं, वो कोई दाग नहीं है, वहां एक टू प्लस रूट थ्री और एक टू माइनस रूट थ्री है, इसी को मैंने एक बार अलग अलग करके लिख लिया टू प्लस रूट थ्री टू माइनस रूट थ्री। अब जो वो दो जीरोज है उससे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम तैयार करेंगे, और आपको याद होगा कि दो जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो मान लीजिए हमने इसको अल्फा इसको बीटा मान लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट थ्री प्लस टू माइनस रूट थ्री एक्स प्लस टू प्लस रूट थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री, ये रूट थ्री कैंसिल, टू प्लस टू फोर एक्स आ गया, और ये टू प्लस रूट थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी टू का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री फोर माइनस थ्री वन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, इस दोनों जीरो का पॉलिनोमियल हो गया, और दो जीरो जो दिया था उससे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना वो डिवाइजर हो जाएगा, और जो चार डिग्री के जो पॉलिनोमियल थे वो डिविडेंड थे। अब इस डिविडेंड में इस डिवाइजर से क्या डिवाइड करो, और आप इसको जब डिवाइड करोगे तो पहला गलती क्या होता है, आप डिवाइड करते जाते हो आपके रिमाइंडर जीरो नहीं आते हैं, चिंता नहीं करना है, आप गलती ढूंढोगे, पहला चीज ध्यान रखना रिमाइंडर सिर्फ और सिर्फ जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो सबसे सिंपल सी बात है कि इसका डिग्री चार है, इसके डिग्री दो है, तो उसके डिग्री दो आएंगे, देखिए आ गया एक्स स्क्वायर, डिवाइड करना तो आप जानते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 क्वेश्चन आ गया और रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब इसके डिग्री जब दो है तो यहां से दो जीरो आपको मिलेंगे, तो इसी में दो जीरो छिपे हुए हैं। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 को फैक्टोराइज कर देंगे डिवाइड करने के बाद, जैसे मैंने इसको किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, इसको फैक्टोराइज करने के बाद क्या मिला हमको, x प्लस 5 और x माइनस 7, तो x प्लस 5 इसका एक फैक्टर हो गया, तो x प्लस 5 अगर फैक्टर हो गया इसका मतलब माइनस 5 एक जीरो हो गया, एक्स माइनस सेवन एक फैक्टर है इसका मतलब प्लस सेवन एक जीरो हो गया, तो अदर जीरो क्या हुआ, फाइव एंड माइनस फाइव एंड प्लस सेवन, क्वेश्चन रहता ऑल जीरो
तो आप लिखते माइनस फाइव सेवन और वो जो दो दिया था उसको भी आप लिख दोगे, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फाइव है वो भी लेंदी है, तो उसको फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।